કૃષિ બિલ કાયદાના વિરોધમાં દેશમાં ચાલી રહેલ કિસાન આંદોલનના સમર્થનમાં ઘણા બધા રાજકીય પક્ષો તથા આગેવાનો અને સામાન્ય માણસો છે ત્યારે સમર્થનમાં સમુદાયના સંત બાબા ગોળી મારી આત્મહત્યા કરી જે ખૂબ જ દુઃખદની ઘટના કહેવાય જેને લઈ અખિલ ભારત હિન્દુ મહાસભા ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ મનોજ કુમાર ચૌહાણની અધ્યક્ષસ્થાને સંત બાબા રામસિંહને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી સાથે આજના પ્રસંગે ઉપસ્થિત રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ રાજીવકુમાર રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારને અપીલ કરવામાં આવી કે આ ઘટનાને ધ્યાન ઉપર લે અને સંત બાબા રામસિંહને શહીદનો દરજ્જો આપવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી સાથે સાથે એવી પણ માંગ કરવામાં આવી છે કે ખેડૂત આંદોલન જલ્દીથી જલ્દી ખતમ કરવામાં આવે હાલમાં ચાલી રહેલ ખેડૂતોનું જન આંદોલન વિપક્ષ દ્વારા ખોટી રીતે ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે વિપક્ષ ખોટી રીતે તેને એક મુદ્દો બનાવી આંદોલનને વેગ આપી રહ્યું છે તે ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના કહેવાય જેનાથી ખેડૂતને ખોટા માર્ગે દોરવામાં આવી રહ્યા છે જેને લઈ સરકારના સમર્થનમાં અખિલ ભારત હિન્દુ મહાસભા દ્વારા પત્રકાર પરિષદ યોજી માહિતી આપવામાં આવી હતી નમસ્કાર મેં મનોજ ચૌહાણ પ્રદેશ અધ્યક્ષ અખિલ ભારત હિન્દુ મહાસભા આજ મેં જો કહેને જા રહા હું કે જો બાબા રામસિંહજી હત્યા હોય वो शर्मजनक है और जो आज किसान आंदोलन जो छिड़ा हुआ है और हमारे जो प्रधानमंत्री और हमारी देश की सरकार ने जो अभी तक का काम किया है उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ख़ास तौर पर आप देखिए कि ग्राम पंच गांवों से लेकर शहरों तक की आज मैं आपको बात कर रहा हूँ कि हर एक गाँव में ग्राम सभा हो रही है भैया हर एक चीज़ को विकेंद्रितकरण से काम कर रहे हैं जो एक अभिनंदनीय है और दूसरी बात ये बत बताने जा रहा हूँ कि हर एक अकाउंट में पैसा हर एक, एक हर एक किसान के अकाउंट में पैसा पड़ रहा है और जब तक गुजरात की बात मैंने आपको बता रहा हूँ कि एक कृषि कुरुश, मेला कृषि सम्मेलन और जो खेत मतलब किसानों के लिए अलग अलग पाक के लिए तालीम भी दे जा, जा रहे हैं तो आज मैं तो ये आपको कहने जा रहा हूँ कि गुजरात का किसान आज समृद्ध है बड़ा है और वो समझकर इस आंदोलन में नहीं जुड़ा है वो मुझे गर्व है अपने गुजरात के लिए और ये चीज़ पूरे देश में जानी चाहिए जब कोई एक नई चीज़ लाकर देश का विकास होने जा रहा है तो दोस्तों सब में ये सब में हमें सपोर्ट करना चाहिए और साथ में जो विपक्ष अडिंगा बैठकर लगाकर बैठा है उसको आ, उसका काला मुख करना चाहिए क्योंकि इस इतने सितर साल में ये सब चीज़ें नहीं हुई आज मोदी सरकार के आ, तब जाके हो रही है तो दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि देश का विकास अगर करना है और देश की तरक्की करनी है तो हम सब जुड़कर सरकार को सपोर्ट करना चाहिए और साथ में जब जब हमारा प्रश्न है वो प्रश्न बैठकर कर सुलझाना चाहिए ऐसे इस कड़ी ठंडी में ऐसा नहीं करना चाहिए विकास सबसे होता है एक आदमी नहीं करता अगर हम परिवार है तो दोस्तों परिवार का मुखिया है उनका मानना भी इतना जरूरी है सबके लिए तो दोस्तों विकास सबके लिए है किसान के लिए है और किसान है एक धरती पुत्र है उसको मेरा नम नमन है आज तो सबको मैं ये कहने जा रहा हूँ कि दोस्तों विकास होगा हो रहा है और हम सब साथ मिलकर विकास करेंगे और किसान का एक एक गांव का खेत का अपने बच्चों का मुद्दा सॉल्व हो गया तो ज़्यादा ना बोलकर थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू देखिए करनाल के हमारे जो सिख समुदाय के संत हैं बाबा राम सिंह उन्होंने गोली मारकर जो आत्महत्या कर ली और जो उन्होंने सुसाइड नोट छोड़ा उसमें लिखा उन्होंने कि वो बहुत आहत हैं किसान आंदोलन से तो उसी के लिए हमने एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जो कि अखिल भारत हिंदू महासभा के तत्वाधान में रखी गई है और जिसकी अगुवाई हमारे गुजरात के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नर अभी नए प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे मनोज कुमार चौहान जी इनकी अगुवाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और हम लोगों ने राम सिंह जी को स्वर्गीय राम सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और एक मैसेज हम देना चाहते हैं समस्त प्रदेश की सरकार देश की सरकार को कि ये जो उन्होंने जो बहुत ही दुखमयी अत्यंत दुखद जो घटना घटी ये इस विषय में सरकार इसको संज्ञान में ले और संत बाबा राम सिंह को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और ये आंदोलन जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए और आप लोग ने भी देखा कि इस आंदोलन को एक जन आंदोलन जो गलत तरीके से बनाया जा रहा है जो विपक्ष एक चूँकि अभी 2000 जो अभी चुनाव हुए आपने देखा संसदीय चुनाव में भी हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी को भी एक पूर्ण बहुमत की सरकार मिली तो उससे कहीं ना कहीं ये सब आहत हैं ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे तो उन्होंने विपक्ष में एक मुद्दा बनाने में लगे हैं और ये मुद्दा बहुत ही घातक है आज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के समय जो इनकी सरकार में सभी किसानों को अच्छा एक पैसा दिया जा रहा है उनके खातों में पैसा दिया जा रहा है काफ़ी क्लियरिटी लाई जा रही है लेकिन अगर उसके बाद भी किसानों को गलत मैसेज दिया जाए उनको बरगलाया जाए सब कुछ लोगों के लिए इससे जो नुकसान हो रहा है वो प्रकाश सिंह बादल का हो रहा है और इससे कुछ लोगों के लिए अगर एक मुद्दा बनाया जाए और पंजाब में आके वो मुद्दा बने तो मुझे लग रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इसमें सोचना चाहिए